सरायकेला के ऊंचाई एरिया चुनाव के समय में नक्सलियों द्वारा चुनाव को बाधित करने के लिए भारी मात्रा में इधर से लगाया गया है। बहुत सारी आईडी अभी भी जंगलों में लगी हुई है और चुनाव के बाद लगी हुई आईडी से राज्य के और गांव के मवेशी और जनता किसी तरह से घायल नहीं हो, इसको लेकर के राज्य पुलिस द्वारा वहां पे नक्सलियों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया जा रहा है। उसी प्रक्रिया के तहत कोबरा झारखंड जगुआर और झारखंड पुलिस का एक संयुक्त अभियान वहाँ चल रहा है। वहाँ पे जो रेहरिंग एरिया है, अरहंज एरिया है, वहाँ के अगल बगल के पहाड़ हैं, उन पहाड़ों पर जो नक्सली सीसी कमांडर है अनंत, उसको पतिराम मांझी उसके द्वारा वहाँ पे आसपास के सभी क्षेत्रों में एंटी पर्सनल माइन और बड़ी माइन लगाई गई, उसका क्लियरिंग अभियान चल रहा है। उसी अभियान के तहत 3 दिन से जो अभियान प्रारंभ हुआ है उसमें आज कोबरा और जगुआर की टीमें उस एरिया में गई थी और वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में एंटी पर्सनल माइन नक्सलियों के द्वारा ट्रिगर किया गया, जिसमें कुल 11 जवान हमारे घायल हुए और जिनको हेलीकॉप्टर से आज मेडिकल लाया गया है। उसमें 9 जवान ऐसे हैं जिनको स्प्लिंटर इंजरी है, जो खतरे से बाहर हैं। 3 जवान गंभीर रूप से घायल हैं जिनका यहाँ पे इलाज चल रहा है और हम पूरी तरह से संकल्प के तहत उस एरिया को नक्सली मुक्त कराने का जो अभियान प्रारंभ किए हैं उसको आगे बढ़ाएंगे।